हाय दोस्तों, मैं हूँ रियाजुल, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं आरएम टेक्निकल गाइड। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो का अंदर मैं बताऊंगा आप लोगों को, इस यूट्यूब चैनल में अगर एक वीडियो खत्म होते होते और आपका वीडियो स्क्रीन के ऊपर शो होने लग जाए, जैसे मेरा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सेम इसी तरीका की बहुत सारा ऐसा चैनल होता है जो आप लोग फुल वीडियो वॉच करते हो और सेकेंड टाइम क्या होता है, उसके बाद वीडियो खत्म होते होते लास्ट 15 सेकंड या 20 सेकंड के बाद और दूसरा एक वीडियो स्क्रीन का ऊपर सजेशन करने लगते हैं। तो आप अगर यूट्यूब का चैनल है, आप अगर वीडियो अपलोड करते हैं, तो चाहते आप इस तरीका से आपका वीडियो भी दूसरा चैनल का ऊपर या दूसरा कोई देख रहे आपका पूरा वीडियो मोबाइल का ऊपर भी शो होने लग जाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो का अंदर बताऊंगा ऐसा कुछ सेटिंग्स जो इस सेटिंग्स करने के बाद आप लोगों का अभी इस तरीका के अपना वीडियो को सजेशन में डाल सकता है दूसरा कोई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर खत्म होते होते दूसरा अगर वीडियो अगर आपका उस चैनल में शो होने लग जाए, तो आपका उस वीडियो का अंदर व्यू आने का चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक वीडियो खत्म होते होते फिर आपका दूसरा एक वीडियो में व्यू आने का चांस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा तक देखते रहना, क्योंकि ऐसा कुछ सेटिंग्स आपको बताऊंगा जो अगर पूरा तरीका से नहीं देखेंगे तो बाद में आप लोग समझ नहीं पाइएगा। सीधा मोबाइल स्क्रीन का ऊपर जाके दिखाते हैं जो एक यूट्यूबर अपना वीडियो में इन स्क्रीन कैसे लगाते हैं, जो इन में स्क्रीन होता है वो इन स्क्रीन कैसे लगाते हैं, आप लोगों को फुल प्रोसेस बताऊंगा। और चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन का पहले क्रोम ब्राउजर में YT स्टूडियो लिख के सर्च कर लेना, ताकि आपका मोबाइल का यूट्यूब का जो क्रोम ब्राउजर है उसका अंदर जा सके। तो YT स्टूडियो का अंदर पहले चला जाएंगे। तो चलिए, YT स्टूडियो ओपन कर लिया। अब अपना यूट्यूब चैनल क्रोम ब्राउजर में ओपन करना YT स्टूडियो। उसके बाद YT स्टूडियो के अंदर आपको दिखाई देगा कॉन्टेंट। देखिए, यहाँ पर कॉन्टेंट जो ऑप्शन है, मतलब जो कंटेंट डाला हुआ है, सारे कंटेंट यहाँ पे आ गया। और वही वीडियो को सिलेक्ट कर लेना जो वीडियो का लास्ट में आप इंड स्क्रीन लगाना चाहते हैं। तो कोई भी एक वीडियो यहाँ पे चुन लो। उसके बाद एडिट ऑप्शन में चले जाना। एडिट ऑप्शन में जाने के बाद आपको साइड पे आपको दिखाई देगा इंड स्क्रीन कार्ड, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप इंड स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके कोई भी एक चुन लेना, ताकि हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो उसके बाद आप ये जो इंड स्क्रीन है, ये जो वीडियो ऊपर में शो होगा, आप वीडियो का स्क्रीन का ऊपर जहाँ मर्जी वहाँ लगा सकते हो, लोगों भी आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग दिखाई दे रहा है, मतलब वो जो इंड स्क्रीन लास्ट कितना सेकंड में आप लगा सकते हो, लास्ट वीडियो ख़त्म होने से 20 सेकंड पहले या 15 सेकंड पहले लगा सकते हो। वीडियो को चुनने के लिए आप कोई भी जो जो वीडियो आप इंड स्क्रीन में लगाना चाहते हो, मतलब वीडियो ख़त्म होते होते आप जो वीडियो दिखाई देगा वो वीडियो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। आपका चैनल का जितना सारा वीडियो है, हर एक वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैंने कुछ वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, लोगो भी आ गया। तो आप इस तरीका से कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने अभी जिस तरीका से सेटिंग दिखाया YT स्टूडियो का अंदर जाके, अब सेम उसी तरीके का आपका एक वीडियो का अंदर करना है, ताकि अगर आप इस तरीका से अप्लाई करोगे तो आप खुद समझ सकते हो, आप खुद सीख जाओगे। क्योंकि अगर कोई चीज़ देखने के बाद अगर वो चीज़ फिर अगर रिपीट नहीं करोगे तो फिर आप भूल सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आप लोग इस चैनल में इंड स्क्रीन कैसे लगाते हैं और वीडियो का लास्ट में इंड स्क्रीन कैसे लगाते हैं वो बेटर तरीके से समझ गया। अगर आप देखेंगे ऐसा बड़ा बड़ा यूट्यूब चैनल है जो वीडियो अपलोड करते हैं, बड़ा बड़ा क्रिएटर है, उसका लास्ट में हर एक चैनल का अंदर, मतलब हर एक वीडियो का अंदर एंड स्क्रीन रहते हैं, ताकि और एक वीडियो खत्म होते होते उसका एक वीडियो चालू होने लग जाए और उसी को कहा जाता है एंड स्क्रीन, मतलब व्यू आने का चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों, आज वीडियो इतना तक, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों।